हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आपने अभी तक ये सोच लिया होगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान आपको यही चीज़ देखा जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट क्राइटेरिया और नॉट, यानी उस क्राइटेरिया के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में वेस्ट बंगाल के बारे में बात करने वाला हूँ कि वेस्ट बंगाल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में कि वेस्ट बंगाल में ये सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं और इनमें पढ़ने के लिए लोगों का ड्रीम होता है, चाहे वो स्टेट बंगाल के स्टेट के स्टूडेंट होंगे जो स्टेट काउंसलिंग के दौरान और स्टेट कोटा के थ्रू वहां पे जाएंगे, और या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो स्टूडेंट का ड्रीम है कि मुझे वेस्ट बंगाल में जाके ये कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है, तो वहां पे भी जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल के कुछ कॉलेजेस में वहां का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, तो जो स्टूडेंट को अगर ऐसा लगेगा कि ये कट ऑफ के लिए मैं यहां पर एबल नहीं हूं, तो आप वेस्ट बंगाल की तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि वेस्ट बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर कॉलेज से। तो हमारा सबसे पहला नंबर जो कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, उसका नाम है IPGMER कोलकाता। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च। ये कोलकाता का कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन नंबर पे, और ये टॉप 100 के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसका NIRF जो है यानी रैंकिंग है, इसका रैंकिंग 21 है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1707 ईस्वी में, इट्स मीन 1707। अब आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पुराना कॉलेज है और रियली ये पुराने होने के बाद इसका कितना ज़्यादा वैल्यूएशन होगा, क्योंकि पुराने कॉलेज पे बहुत लोगों का रिलायबल होता है, यानी भरोसा होता है कि बहुत पुराने कॉलेज हैं, इसमें बहुत बेहतरीन सुविधाएँ होंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। इसका जो MBBS का फ़ी है इस गवर्नमेंट कॉलेज का, वो है 47,000। टोटल स्टूडेंट की कैपेसिटी इसमें 1655 है, टोटल फैकल्टी इसमें 140 है। दूसरे नंबर कॉलेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है मेडिकल कॉलेज कोलकाता की NIRF जो रैंकिंग है वो है 43, और इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट 1835 में हुआ था, और इस कॉलेज का भी फी लमसम आपको 47,000 है, 47,000 से 48,000 के बीच में इस कॉलेज का फी है। इस कॉलेज की टोटल MBBS के स्टूडेंट की कैपेसिटी 1838 है। थर्ड नंबर पे जो कॉलेज आता है, इस कॉलेज का नाम है CNMC कोलकाता। अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें हम लोग, तो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। NIRF के द्वारा अभी इसको रैंकिंग नहीं दिया गया है, और इस कॉलेज की जो फी है ये भी 47,000 के अप्रॉक्स में है। फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज आती है, इस कॉलेज का नाम है वेस्ट बंगाल में RG Kerr मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और इसकी स्थापना 1916 में हुई है, 1916 में, और इस कॉलेज का भी फी अप्रॉक्स 47,000 के करीब है, और इस कॉलेज की टोटल स्टूडेंट की कैपेसिटी 1132 है, और इसमें जो टोटल फैकल्टी है वो 32 है। इस कॉलेज की भी अभी NIRF रैंकिंग में जगह टॉप 100 में नहीं मिल पाई है। नेक्स्ट जो कॉलेज पांचवें नंबर पे मैं बात करने वाला हूँ, इस कॉलेज का नाम है नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, और इसकी स्थापना 1948 में हुई है, 1948 में, और इस कॉलेज का भी फी अप्रॉक्स 47,000 है MBBS की पढ़ाई की, और इस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है 280, और इस कॉलेज में टोटल फैकल्टी 14। नेक्स्ट छठे नंबर पे जो कॉलेज है, मैं उसका नाम लेने जा रहा हूँ, इसका नाम है वर्धमान मेडिकल कॉलेज वर्धमान। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इस कॉलेज का भी फी अप्रॉक्स 47,000 है, इसमें टोटल स्टूडेंट की कैपेसिटी 1013 है, इसमें टोटल फैकल्टी 104 है। NIRF के द्वारा इसको भी रैंकिंग अभी नहीं दी गई है। सातवें नंबर पे जो मैं कॉलेज के बारे में बात करूँ वेस्ट बंगाल में, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल कल्याणी, ये वेस्ट बंगाल में है, और इसकी स्थापना 2009 में हुई है, और इस कॉलेज का भी फी जो है वो अप्रॉक्स 47,000 MBBS के कंप्लीशन का है। टोटल स्टूडेंट की कैपेसिटी 536 है, और टोटल फैकल्टी इसमें 110 है, और NIRF के द्वारा इसकी भी अभी रैंकिंग नहीं की गई है। आठवें नंबर पे जो कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, इसका नाम है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुश्रुत नगर, और इस कॉलेज की जो MBBS की फी है वो है 40,560। नाइन्थ नंबर पे जो मैं कॉलेज का नाम लेने जा रहा हूँ, इस कॉलेज का नाम है CMSDH कोलकाता, और इसका फुल फॉर्म है कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सगोर दत्ता हॉस्पिटल। इसमें भी जो MBBS की फी है वो अप्रॉक्स 47,000 है। और जो लास्ट नंबर मैं कॉलेज का नाम लेने जा रहा हूँ, जो दसवें नंबर पे इस कॉलेज का नाम है मिदनापुर मेडिकल कॉलेज मिदनापुर, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी,
और इसका जो MBBS का फी है वो अप्रोक्स 56,000 के करीब में है। इसमें जो टोटल स्टूडेंट की कैपेसिटी है वो है 780 और इसमें जो टोटल फैकल्टी मौजूद हैं वो है 278 और इसकी भी अभी NIRF के द्वारा रैंकिंग नहीं हुई है। दोस्तों मैंने वेस्ट बंगाल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में बात की है। अगर आपको ऐसा लगे कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आपको अगर वहां पर एडमिशन लेना होगा तो थोड़ा इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेके आप अपने काउंसलिंग चॉइस में, काउंसलिंग फिलिंग के दौरान जो कॉलेज का चॉइस होगा उसमें कॉलेज डाल सकते हैं। स्टेट कोटा और AI कोटा के थ्रू जो भी स्टूडेंट MBBS परस्यू करना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल जाना चाहते हैं, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले वेस्ट बंगाल के कुछ कॉलेजेस के बारे में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।